आम तौर पर डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो अपनी हरकतों से पूरे पेशे को कलंकित कर देते हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में भी एक डॉक्टर ने शर्मनाक करतूत की है। प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले एक डॉक्टर ने नर्स की आबरू पर हाथ डाल दिया। विकास नगर में चौहान हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्स ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पूरे परिवार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पीड़िता और उसके परिजनों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली पुलिस स्टेशन का घेराव तक करना पड़ा। इधर नर्स ने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने दो बार उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की है। नर्स ने महज 20 दिन पहले ही अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया था। मैं चौहान हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टाफ काम करती थी, तो सर ने मेरे साथ चेकअप के बहाने गंदी हरकतें की और गंदी बातें की और छेड़खानी और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो मैं वहाँ से अपने आप को बचा के बाहर निकल गई। फिर मैं चौकी में आई और रिपोर्ट लिखवाया, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। कब से काम करते हैं आप वहाँ? मुझे अभी 20 दिन हो गए, 8 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था वहाँ। आज ही पहली बार ऐसी हरकत करी है? बार पहले भी ऐसा 25 तारीख को भी किया था, तो मैंने अपने घर पे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसा किया। मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ, डॉक्टर गलत नहीं होते, उन्होंने आपका चेकअप भी किया होगा। मैंने मेडिसिन लिखवानी थी साइड पेन के लिए, तो उन्हें 26 तारीख को मुझे ज़बरदस्ती अंदर बुला के मेरे को ज़बरदस्ती लेटा के मेरे साथ गंदी हरकत की। और कोई बात हुई डॉक्टर साहब ने और किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट किया आपको? बस वो ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ कि अंदर जा और लेट जा, और मेरे को अंदर लेटाया ज़बरदस्ती। पेट चेकअप करने के बहाने उन्होंने मेरे मेन पार्ट पे हाथ लगाया। अभी आप क्या चाहती हैं? मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहती। पुलिस मुकदमा दर्ज कर ले, कुछ क्या कहना चाहिए? मैंने 25 तारीख को मैंने रिपोर्ट लिखवाई, तो उन्होंने बात नहीं की। फिर 26 को मैं 26 को फिर मैं आई अपने पेरेंट्स के साथ, सब आए मेरे साथ, तब उन्होंने एफ आर आई दर्ज करवाया। नर्स और उसके परिजनों की तरफ से जब ज्यादा दबाव डाला गया, तब पुलिस ने हैवान डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। विकास नगर के सीओ भास्कर लाल शाह ने बताया कि आरोपी डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक युवती द्वारा जो उस हॉस्पिटल में नर्स का कार्य कर रही थी, उसके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि डॉक्टर द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने और ये करने संबंधी एक तहरीर के आधार पर धारा 354 IPC के अंदर अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिए गए 161 के बयानों तथा 164 के बयानों के आधार पर धारा 376 की वृद्धि की गई है। अब अभियोग की विवेचना धारा 376 IPC के अंदर की जा रही है। सर, परिजनों का कहना है कि जो परिजन 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं और प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ये कहना गलत है। जब तक जो तहरीर थी, तो तहरीर के अनुसार हमारे द्वारा सही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब उसके द्वारा विस्तृत बयान अंकित कराए गए हैं मजिस्ट्रेट के सामने भी और हमारे पास भी, तो उसके आधार पर धारा 376 की अभिवृद्धि कर दी गई। तो सर, डॉक्टर से समाज में डॉक्टर को किसी फरिश्ते से कम नहीं समझा जाता, लेकिन एक डॉक्टर ने अपनी शर्मनाक हरकत से पूरे पेशे को कलंकित कर दिया है। पुलिस को हैवान डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए, साथ ही पीड़िता को हर तरह से मदद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, QIFE नेटवर्क।